आज हम बना रहे हैं पराठा। ये किस चीज़ का पराठा बना रहे हैं, आइए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आप तनरीन, आपके अपने चैनल यूट्यूब पे। क्या हालत तमाम देखने वालों का, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश आबाद रहें, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं गोभी वाला पराठा। गोभी का पराठा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये है, रात को मैंने गोभी बनाई थी, इसमें ये फुल हमारी रेसिपी है, इसमें हर चीज़ शामिल है, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, प्याज, यानी कि ये मुकम्मल रेसिपी है। अब इसको हम कैसे तैयार करेंगे पराठा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आटे के बॉल बनाएंगे, ये बिल्कुल हमने स्मॉल साइज़ के बनाने होते हैं, यानी कि एक पेड़ा जो लेना है उसके हमने दो पेड़े बना लेने हैं छोटे छोटे से। इस तरह के हम दो पेड़े बना लेंगे। सबसे पहले हम गोभी जो है उसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। वैसे तो बिल्कुल सॉफ्ट सी है, इसको अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है पराठों में डालने के लिए। इसमें किसी चीज़ को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम मसाला जात डाले हुए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च, गरम मसाले, नमक मिर्च, यानी कि हर चीज़ इसमें मौजूद है। आलू गोभी की रेसिपी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो आप लोग चैनल में सर्च करके देख सकते हैं। अब हम पेड़ों को थोड़ा सा बेलेंगे। हम ये इसको बेल लेंगे थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा बेल के अब इस पर हम मटेरियल ऐड करेंगे। हल्का सा इसमें हम घी शामिल करेंगे। इससे ये होता है कि पराठा जो होता है बहुत ही खस्ता बनता है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो आलू गोभी का सालन जो है वो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप लोग उसको इस तरह बना के देंगे तो बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में सालन बचा होता है, आटा भी पड़ा होता है, तो ये झटपट तैयार हो जाता है। जब दिल चाहे आप लोग सालन, रात का सालन निकालें और इस तरह मैश करके बच्चों को बना कर टिफ़िन में दें, बच्चे बहुत शौक से खाएँगे। किनारों को हमने अच्छी तरह से बंद कर देना है। इसको आस्ता से हम बेलेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हल्का सा हम घी लगाएंगे। इस तरह आप रात के बचे हुए सालन से कोई भी पराठा बना सकते हैं, आलू मेथी का हो जाए, कोई भी हो, इजीली आप उसका पराठा बना सकते हैं। बच्चे बड़े शौक से खाएंगे और बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसके लिए हमें स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ती, सालन निकालें और उसको मैश करें और पराठे में डाल के बना लें। अब इसमें हम अच्छी तरह से इसमें घी लगाएंगे। ये बहुत खस्ता पराठा बनता है, इसको हम चाय के साथ, दही के साथ खा सकते हैं। देखिए हमारा पराठा दोनों तरह से अच्छी तरह से पक गया है। वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और जो व्यूअर्स नए हैं हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अल्लाह हाफिज़।